एशिया का सबसे बड़ा। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के बाद से ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। मंगलवार को भी दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा और नतीजा फिर वही बार बार स्थगन के बाद संसद बुधवार तक के लिए स्थगित हो गया। सरकार के फैसले को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे कुछ विपक्षी दलों ने मंगलवार को भी लोकसभा में नारेबाजी की। हंगामे के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोर शराबा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा सदन शुरू होने पर हंगामा जारी रहा तो सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे फिर सदन नहीं चला तो 2:30 बजे बैठक फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच में ही स्पीकर ने आयकर नियमों में संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित कराया। हालांकि इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। अगर एडजमेंट मोशन को आप परमिशन दिए, निश्चित रूप से डिस्कशन चलेगा और उसमें ये बिल भी डिस्कस करेंगे। दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कंट्री एंड आल्सो द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट बिल, लेट देम गो टू देयर सीट्स, टेक पार्ट इन द डिबेट, रेज देयर ऑब्जेक्शंस इफ एनी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस गतिरोध पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा। कोशिश तो सब कर रहे हैं, गतिरोध टूटना चाहिए। पार्लियामेंट, अगेन आई एम सेइंग, पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, पार्लियामेंट इज फॉर डिबेट। और यही एक ऐसा ये है जहां हम जनता की भी अगर बात हम करना चाहें तो यहीं पर हम सुझाव दे सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में भी अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति को मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दो बार के स्थगन के बाद राज्यसभा बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने आयकर कानून में संशोधन के लिए विधेयक को लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश करने को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिस पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति जताई और चर्चा की मांग की। कभी न कभी ऐसा इस सदन को महसूस हुआ कि इस सदन को उपेक्षित करने के लिए सरकार तमाम बिलों को मनी बिल में परिवर्तित करवा कर, मैं किसी स्पीकर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रतिपक्ष ने ही तो नोटिस दिया, सरकार ने इसको स्वीकार किया, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि सदन की गरिमा के लिए जो नोटिस आपने दिया है उस पर चर्चा करवाई जाए। इस पर उपसभापति ने कहा कि जब इस संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में चर्चा होगी तब वह अपना मुद्दा उठाएं। That's over. No discussion about this. But the only question is, this is not the time. राज्यसभा का नजारा भी अजीब है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे के साथ हंगामा खड़ा कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के चलते पिछला पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया और इस हफ्ते भी यही हाल जारी है। इससे न केवल सदन के जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई भी बर्बाद हो रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, TD न्यूज़।